मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनू कुमार पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर में। देखिए, LDC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जिसमें अलजेब्रा के सीरीज को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए दो फॉर्मूला आप जान लीजिए, AQ - BQ / AQ + BQ के कंपेयर करके ये क्वेश्चन बनेगा। एक फॉर्मूला AQ - BQ जो होता है वह होता है a - b (a²) + ab + b²। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर्मूला होता है AQ + BQ, तो ये हो जाएगा a + b (a²) - ab + b²। कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ जो वैल्यू देगा ये AQ - BQ के रूप में है और यहाँ a - b के रूप में दे दिया है। यानी यहाँ पर दो पद अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका अर्थ है 1, 2, 3 पद है, इसका अर्थ है कि 1, 2 पद ये बराबर है, तो तीसरा पद तीसरे पद के बराबर यहाँ जा रहा है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर। साइन सहित जब भी लेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रख के लेंगे। जैसे -BXY है, ये बराबर होगा +AB के। यहाँ से देख लेंगे A का रोल क्या कर रहा है, B का रोल क्या कर रहा है। इसी तरीके से जब AQ + BQ पर आधारित क्वेश्चन देगा तो हम लोग उस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये AQ - BQ है, यानी A का रोल √3x किया है और B का रोल √2y किया है। तो चलिए कंपेयर करते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे AQ - BQ, तो ये तो आप समझ चुके हैं कि a - b, यहाँ पर कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। यहाँ कंपेयर करके लिखना है, तो a² + ab + b² कंपेयर कर लेंगे। और ऐसे पता है कि a का रोल क्या कर रहा है, √3x, और b का रोल क्या कर रहा है, तो √2y। तो कंपेयर करेंगे तो ये a² होगा ax² के बराबर, यानी हम लोग लिख देंगे ax² = a², a के रूप में यहाँ √3x है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और x का स्क्वायर x², यानी यहाँ से कहेंगे ax² = 3x², ये कैंसिल आउट हो गया, तो a = 3। अब यहां देख सकते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो साइन सहित यानी -BXY = कहेंगे AB, ए और बी का रोल कौन कर रहा है ये क्लियर है हम लोगों को। तो यहां देख सकते हैं -BXY = AB, गुना करेंगे तो √3 / √2 से तो √6 हो गया, और x * y क्या हुआ, xy हुआ, xy से xy कट गया और -B = √6 आया है, यानी हम कहेंगे B = -√6। इस तरीके से c² यहां से कंपेयर होगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर रोल कर रहा है cy² = b² और b का रोल कर रहा है √2y, यानी लिखेंगे cy² = b² यानी √2² 2 और y² y² से y² कटा, यानी c = 2। अब हम लोगों से पूछता है इस प्रकार का कोई भी वैल्यू ABC, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के इक्वेशन के रूप में कुछ भी बताइए। तो इन इजी वे, जब A, B और C का वैल्यू आप जब इक्वेट कर लेंगे तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो जाएगा। यानी अब इन इजी वे हम लोग बना सकते हैं, a² - b² + c² का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, -b² तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आपको पता है √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, और प्लस यहाँ पर क्या है c² 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी 9 4 13 हो गया, 13 में से 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 7। यानी इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट कंपेयर करना है और आप सब आसानी से कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, कैलकुलेशन क्लियर रखना होगा, सो दैट आप कम समय में बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है 24√3x³ + 2√2y³ = कंपेयर कर लेना होगा। पहले क्वेश्चन में आपको देख लेना होगा कि ए का रोल क्या कर रहा है और बी का रोल कौन सा डिजिट या अंक कर रहा है। तो यहाँ ax² + bxy + cy² दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, घबराए नहीं। यहाँ देखेंगे √3 ये जो है a का रोल कर रहा है और ये जो है b का रोल कर रहा है, चेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर
ठीक है, यहाँ क्यूब करना है, ए क्यूब करिए तो यहाँ से आपको पता चलेगा यही है, तो दो का क्यूब 8 हो जाएगा, रूट थ्री का 3 रूट थ्री हो जाएगा, तो 8 का 24, 24 रूट थ्री या एक्स क्यूब है, यहाँ चेक कर सकते हैं। तो देखिए रूट टू का जब आप क्यूब करिएगा तो 2 रूट टू हो जाएगा और वाई का क्यूब वाई क्यूब है, यानी हम लोग कन्फर्म हो गए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। कंपेयर करके क्वेश्चन बनेगा, ए का रोल ये कर रहा है, बी का रोल ये कर रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ए प्लस b into a square, यहां पर होता है प्लस वाले में माइनस, फॉर्मूला में ध्यान रखें। अब देखिए ये दो टर्म जो थे ये इक्वल थे, यानी यहां कंपेयर हम लोग को करना है, यानी ax square बराबर ये वैल्यू होगा प्लस bxy बराबर माइनस ab होगा, cy square बराबर b square होगा, और पता है कि a का रोल क्या कर रहा है, a का रोल 2√3x कर रहा है और b का रोल √2y कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां कंपेयर करेंगे, यानी कहेंगे ax square बराबर a square होना चाहिए, a square यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 चाहती 12x स्क्वायर, यानी हो जाएगा ax स्क्वायर बराबर 12x स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और a बराबर क्या आया 12। सेम तरीके से यहां लिखेंगे तो bxy को कंपेयर करेंगे माइनस ab से, तो यहां गुणा कर लीजिए रूट 2 और रूट 3 का रूट 6 यानी 2√6 माइनस तो चलेगा xy और यहाँ पर है bxy, तो xy से xy कटा यानी b बराबर माइनस 2√6। चलिए यहाँ थर्ड यहाँ पर cy स्क्वायर को b स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, यानी cy स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी b का रोल रूट 2y कर रहा है, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यानी cy स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, यानी c बराबर 2। अब देखिए कैपिटल a कैपिटल b और कैपिटल c के टर्म में आपसे कुछ भी पूछता है आराम से आप बना सकते हैं। ये हम लोगों से पूछा है फाइंड 2a प्लस रूट 6b माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी सी कैपिटल रूप का हम लोग मान निकाल चुके हैं, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यानी 2 × 12 प्लस यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट भी करें 2 × 12 कर देंगे तो 12 × 2 = 24 हो जाएगा, रूट 6 है और b का मान −2√6 है, तो √6 × √6 6 हो जाएगा और 2 तो क्या हुआ 6 × 12 माइनस है तो −12 ठीक है, और यहाँ माइनस सी का मान क्या है −2, यानी देख सकते हैं 24 में से 14 घटाएंगे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को आप इन्हें इजी वे सॉल्व कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यूब से कंपेयर करना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, ए क्यू माइनस बी क्यूब से कंपेयर करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा और भी बहुत से क्वेश्चन है, जब आप इस कंपेयर के अनुसार बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि LDC के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलजेब्रा के सीरीज को लेकर मैं चल रहा हूं, यानी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा हम लोगों का LHS बराबर RHS से, LHS बराबर RHS के अनुसार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान देने योग बात है कि एक हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी अंकों का कॉम्बिनेशन है। हम लोग जान रहे हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर हो जाता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो है 13 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाता है। वैसे अगर आपकी जानकारी भी नहीं है तो आप यहाँ पर ऐसे सोचेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाए तो इजी वे आप समझ रहे हैं कि यहाँ 2 निकलना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है इसका मान 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 16 रखते हैं ये 4th रूट है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ यहाँ पर 3 लिखा होता यानी 3 समान अंक पर एक निकालते, 4 लिखने का अर्थ है 4 समान अंक पर एक बाहर निकलेगा, अगर वर्गमूल रहता तो 2 समान अंक पर एक बाहर निकलता। तो यानी यहाँ हम लोग को 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर चाहिए, यानी यहाँ 16 रखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 2 हुआ, 4 2 पर 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा x बराबर 16 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, जब आप स्टडी
करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है और ये क्वेश्चन अंकों के कैलकुलेशन से इजी वे में बन जाएगा। फिर यहाँ देखें तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ही 13 का स्क्वायर होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं, LHS बराबर RHS चाहिए। तो देखिए यहाँ क्यूब रूट है, यानी एक्स का क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का क्यूब रूट का अर्थ है 8 रखेंगे तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, यानी यहाँ 5 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 12 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 13 का पावर 2 हो जाएगा, यानी यहाँ x बराबर आपको 8 रखना होगा। फिर यहाँ देखें यहाँ पर फोर्थ रूट है, यानी फोर्थ रूट है तो यहाँ 16 रखना होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ x बराबर क्या रख देंगे 16 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं एग्जाम के बहुत ही अच्छे ढंग के क्वेश्चन को अगर आप स्टडी अच्छे से करते हैं तो विद इन सेकेंड बना सकते हैं। हम लोग अलजेब्रा के सीरीज को लेकर चल रहे हैं LDC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझते हैं। दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 1344, ए प्लस बी बराबर 28 और फाइंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो देखिए यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला लगाइएगा तो ये बन सकता है आसानी से, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है तो बहुत बार आपको राइट वन फॉर्म टू एनदर फॉर्म करना होता है, जिससे आपको विजिबल हो जाता है कि आखिर फार्मूला का क्या चीज़, इसमें कौन सा पार्ट दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको सजाइएगा तो देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, यानी नेक्स्ट लाइन में आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 3ab जाएगा तो माइनस ab। और आपको पता है फार्मूला से, अगर नहीं भी पता है तो देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला में क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यानी इसका अर्थ हुआ कि ये पूछा है, इसका मूल रूप है कि इसी बात को पूछा है। तो यहां देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है 1344, ए प्लस बी का जो मान है वह है 28 और ये तो हम लोगों को निकालना ही है, इस रूप में निकालिए चाहे इस रूप में निकालिए दोनों ही इक्वल वैल्यू है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको लिखा हुआ है, यानी यहाँ हम काट सकते हैं तो आप काटिएगा तो 1344 बटा 28 आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का, तो काट दीजिए तो 7 × 4 = 28 हो गया, 7 × 1 = 7 हुआ, तो फिर यहाँ 64 हुआ तो 9 × 7 = 63 और फिर देख सकते हैं 7 × 2 = 14 फिर एक बार कट जाएगा, यानी ये देख सकते हैं 4 × 4 = 16 8 × 4 = 32 यानी 48 आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 48, या आपका जो ये वैल्यू पूछा है इसका भी मान क्या होगा 48 होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इस पर 2-3 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, कुछ अलग टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जहां पर ये ए क्यू प्लस बी क्यूब या ए क्यू माइनस बी क्यूब फार्मूला ही लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 899 गिवेन है, ये ए माइनस बी इज इक्वल टू 31, फाइंड ई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो आप समझ रहे हैं इसको थोड़ा सा आप एक्सचेंज करके लिखिए, तो लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, यानी नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3ab में से 2ab जाएगा तो प्लस ab। यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो लिखिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देख सकते हैं ए माइनस बी का मान 31 दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 899 दिया हुआ है, यानी यहाँ से हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्राप्त हो जाएगा, या देख सकते हैं इसी का वैल्यू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab का, यानी यहाँ हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए 31 से काटिएगा तो 31 × 2 आपका 62 हो जाएगा, 62 हो गया। अब देखें यहाँ पर तो ये 218 हो जाएगा, 18 × 9 = 27 यानी 279 आ रहा है, यानी 9 बार में ये कट जाएगा, 279 आ रहा था तो 9 बार में कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो ए क्यू माइनस बी क्यूब या ए क्यू प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हुआ ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 88, ए बी बराबर दिया हुआ है 6,
तथा पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बताए। तो हमने पहले ही बता दिया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सहारा लेंगे, यानी ए प्लस बी स्क्वायर का हेल्प लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, अदरवाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, जब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 हो गया और ए बी 6 है, मल्टीप्लाइड 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, यानी ए प्लस बी बराबर इधर वर्गमूल आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर वर्गमूल हो गया, यानी 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, यानी ए प्लस बी बराबर 10 हो गया। अब जो पूछा है वो आराम से आप निकाल सकते हैं, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ए प्लस बी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 10 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी गिवेन है और माइनस ए बी, ए बी का मान भी हम लोगों को दिया हुआ है, यानी यहाँ देख सकते हैं 88 में से 6 घटाएंगे हम लोग तो 82 होगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 820, यानी 820 आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 99, ए बी बराबर है 11 और फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम लोग समझ रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू है तो हेल्प लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 99 दिया हुआ है और 2 × 11 ए बी है, ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 11, 11 में 2 से गुना करेंगे 21, 99 में 22 जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा 121, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 हुआ, यानी आप कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 11, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाके राइट टू लेफ्ट होता है, तो इधर का स्क्वायर उधर क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हुआ 11 हुआ। अब हम लोगों से जो पूछा है वह आराम से हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देख सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू 11 है और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 99 है और माइनस ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, यानी 11 इज मल्टीप्लाइड बाई, ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 88। तो अब गुना करेंगे तो 88 दहा 880 और फिर उसमें आप क्या करें 88 आप आराम से जोड़ सकते हैं तो 8 × 8 = 16 यानी 968 हो जाएगा, यानी 968। ठीक है, तो इन क्विक मोड आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एट रेंडमली देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, एक्स वाई बराबर 2 है, पूछा है फाइंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 इक्वेशन है, तीसरा पूछा है तो यहाँ अंक भी वेरीफाई करके बन जाता है, अदरवाइज आप फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 + 1 = 3 हो गया और यहाँ 2 × 1 = 2 हो गया, तो स्मॉल अंक ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए फार्मूला पे ना जाके डायरेक्ट भी बना दीजिए, अदरवाइज फार्मूला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक्स का रोल 2 करेगा और वाई का रोल 1 करेगा, तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 में से 1 गया 7, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 का वैल्यू बताएं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूला को आप देखें और यहाँ पर ये गिवन देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब इसको क्यूब करिएगा बोथ साइड क्यूब करके देखिए तो ये इसका क्यूब करिए LHS का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इधर 1 का क्यूब 1। आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई का मान 1 है, यानी यहाँ 1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 1 आ गया। इसका अर्थ है ये जो दिया है इसका टोटल वैल्यू 1 होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पूछा है उसमें माइनस 1 है, यानी 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं फार्मूला याद है तो आप विद इन 5 सेकेंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वह है 7√48 प्लस 7√147। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो है इसमें देखते हैं जितना अंक का वर्गमूल निकल जाएगा उतना वर्गमूल बाहर निकाल लीजिए, जो रह जाएगा उसके बाद आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए इसको, तो इसको तोड़ सकते हैं, देखिए ये अंक 16 × 3
ये है, इसको आप तोड़ सकते हैं तो 49 गुने 3। फायदा ये होगा कि 16 गुने 3 होगा तो 3 वर्गमूल से तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी ये 7 चौक 28 और 3 तो वर्गमूल के अंतर्गत उलझा हुआ रह गया, यानी ये हो जाएगा 28√3। प्लस यहाँ देखिए 49 है तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49 यहाँ पर बाहर आ गया, और 3 तो अंदर ही रह जा रहा है क्योंकि 2 समान अंक पर एक अंक निकलता है, यानी यहाँ पर 49√3 हो जाएगा। अब देखिए सेम अंक है, यानी यहाँ पर 28√3 है, यानी यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अगर ये सेम है तो आपका यूनिट सेम होना चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 40 × 60 हो गया, 9 × 70 यानी 77 हो गया, यानी 77√3। यानी इसको ऐसे समझे, 5 आम + 7 आम जैसे जोड़ा जाता है, आम आम सेम है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ का 5 आम 7 सेब तो आप नहीं जोड़ सकते हैं, यानी घातांक करने में आपको ध्यान देना होगा, जब यूनिट सेम होता है यानी एक जैसे होते हैं तभी आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है हम लोगों को x − 5² − 81 = 0, x एलिमेंट ऑफ n है, कह रहे फाइंड x, यानी वैल्यू ऑफ x बताना है, तो घबराए नहीं, x − 5² ये −81 है तो इस साइड जाएगा तो +81 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है LHS से RHS में जाने पर माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस होता है, गुना भाग हो जाता है और भाग गुना हो जाता है, यानी x − 5 = ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 81 का वर्गमूल क्या हो गया 9, यानी −5 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ देंगे तो आपका ये 14 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है a + 1/a = 7, कह रहा है फाइंड आउट a² + 1/a² का मान बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप में इस फार्मूला को लिख सकते हैं, दो मेथड है, या तो यही बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ऑलरेडी ये मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहां डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी इसका फार्मूला लिख सकते हैं a + 1/a² ठीक है −2ab, तो −2ab लिखेंगे तो a × b रेसिप्रोकल होने के कारण कट जा रहा है, और a + 1/a का मान 7 है तो 7² − 2 यानी ये 49 − 2 यानी 47 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन विद इन सेकेंड बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a − 1/a = 10, और हम लोगों से कह रहा है फाइंड करिए a² + 1/a², यानी a² + 1/a² को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं a − 1/a² बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ प्लस टू कभी किया जाता है कभी माइनस टू, तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ नियम चलता है LHS = RHS, यानी पद का जो वैल्यू होना चाहिए आप किसी भी रूप में लिखें, जो मैटर है वो मैनेज करना चाहिए, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है, चेक करते हैं, समझा भी दे रहे हैं, a² + 1/a² यहाँ देखिए −2ab, तो a × 1/a, तो ये हुआ इसके अंदर वाले वैल्यू का बात, तो देखिए यहाँ −2 अंदर आया हुआ है, और जैसे +2 जोड़ देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों LHS = RHS हो गया, यानी इसी को डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं a − 1/a² + 2। अब आप समझ चुके होंगे, आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ गिवन है a − 1/a = 10, यानी 10² + 2 यानी 10² 100 + 2 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, ये स्क्वायर क्यूब के फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है NTPC ग्रुप डी और LP में, तो फार्मूला ज़्यादा है नहीं, आप 10-15 टोटल फार्मूले हैं उसको देख सकते हैं, और उसके बाद आसानी से अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ये फार्मूला के कम्बिनेशन पर क्वेश्चन पूछा है, आप इसको देखिए, मैं फार्मूला भी यहाँ बताऊँगा और एक फार्मूला पर वीडियोज़ बना दूँगा ताकि आप उसको समझ भी लें और अप्लीकेशन भी डायरेक्ट कर सकें। तो देखिए बाबू ये सब डायरेक्ट बना दिया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है 496 × 54। तब देख सकते हैं क्या होता है, ये किस फॉर्मूले पर आधारित होगा, a + b² में a − b² घटाते हैं तो 4 × ab आता है। ऑलवेज याद रखेंगे a + b² में से a − b² घटाते हैं, आप चेक भी करेंगे तो 4 × ab आता है। तो आराम से आप देखिए यहाँ a का रोल 496 कर रहा है और b का रोल 54 कर रहा है, यानी आप लिख सकते हैं 4 × 496 ×
54, बट्टा में देखिए दिया हुआ है 2 × 496 × 54, तो यहाँ से ये कट गया और 2 × 2 = 4, यानी इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर हम लोगों को आंसर 2 आ रहा है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ढंग के क्वेश्चन स्क्वायर के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, कमांड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को एक दिया है a + 1/a = √3 और पूछा है a³ + 1/a³ का वैल्यू बताएं, तो देखिए डायरेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर जब भी a³ + 1/a³ पूछे तो इसको यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसका क्यूब कर देंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे गुने दैट वैल्यू। इसका अर्थ है कि इसको समझिए a + 1/a = x है तो हम क्या करेंगे, x³ - 3x कर लेंगे, यानी इसका क्यूब करके और 3 × दैट वैल्यू करेंगे। तो देखिए √3 का क्यूब करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा, और यहाँ भी गुना करेंगे तो 3√3 होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन और है, a + 1/a = -√3 है, डायरेक्ट बना सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि फॉर्मूला और जो स्टेप होता है हाउ टू वर्क ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, यानी आप भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। a³ + 1/a³ पूछा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ जो अंक होगा उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ -3 × दैट वैल्यू, तो दैट वैल्यू यहाँ -√3 है तो -√3 से गुना करेंगे, तो देखिए माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है और √3 का क्यूब क्या होगा 3√3, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3√3, यानी यहाँ देखेंगे यहाँ -3√3 है, यहाँ पर +3√3 है, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, a + 1/a = 5 है, कह रहा है a³ + 1/a³ का वैल्यू बता दीजिए, तो अब डायरेक्ट क्या करेंगे कि 5 का क्यूब प्लस है तो क्या कर देंगे -3 × 5, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 5 × 15, यानी 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। देखिए अधिक से अधिक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप देख सकते हैं कि जब आप अच्छे से प्रयास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को बनाने में आपके पास देखिए स्पीड और एक्यूरेसी आ जाएगा, और जब बाबू एक स्पीड और एक्यूरेसी आएगा ना तभी आप कम समय में, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं तो बेहतर ढंग से आप जब तक स्पीड एक्यूरेसी गेन नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगले वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।